दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के उस मशहूर वकील, उस मशहूर आजादी के दीवाने के बारे में बताएंगे कि जिसकी प्रैक्टिस 1930 के आसपास 40 और 50 हजार रुपये महीना थी और वो उस प्रैक्टिस को छोड़कर आजादी की लड़ाई के अंदर शामिल हो गए। उनका नाम था डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू का जन्म जावरा में 17 जून 1887 में हुआ था। आपके पिताजी पंडित त्रिभुवनाथ काटजू जावरा रियासत के दीवान थे। दीवान मींस प्राइम मिनिस्टर थे। आप कश्मीरी पंडित थे। ये वो कश्मीरी पंडित परिवार थे जो जब कश्मीर से पहला माइग्रेशन हुआ औरंगजेब के जमाने में, तो विभिन्न रियासतों में, नवाबी रियासत और रजवाड़ों में इन कश्मीरी पंडितों को दीवान बना दिया गया। क्यों? कि वो भाषा के बहुत ही जानकार थे। उनको फारसी आती थी, उर्दू आती थी, हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी। इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे नवाबी रियासतों और रजवाड़ों में उस जमाने में दीवान कश्मीरी पंडित थे। इसी प्रकार नवाब जावरा ने पंडित त्रिभुवननाथ को अपना दीवान बनाया। जावरा एक रियासत है जिला रतलाम में, मालवा के अंदर, इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर। और वो क्षेत्र दुनिया में मशहूर है अफीम उत्पादन के लिए। उन दो जिलों में, रतलाम और मंदसौर में, अफीम बहुत पैदा होती है, पर वहां के लोग अफीम नहीं खाते हैं। कैलाशनाथ काटजू के पिताजी को बच्चा नहीं होता था, तो आपने एक प्राचीन मंदिर जो जावरा में है, शंकर का मंदिर, वहां पे पूजा की और मन्नत मानी। आपके जब बच्चा हुआ तो वहां पे उन्होंने एक मंदिर और बनवाया, और जब लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक नेम प्लेट होनी चाहिए काटजू परिवार की, तो उन्होंने कहा नहीं, दीवार पे नहीं होगी, वो जमीन पे होगी। वो नेम प्लेट आज भी लगी हुई है जिस पे लिखा है चरणदास त्रिभुवननाथ काटजू। जब आप जाते हैं पूजा करने तो उनके ऊपर पांव रखते हैं। और उस मंदिर का कमाल ये है, जिसको काटजू साहब जिंदगी भर बड़े फख्र से बताते थे कि नदी है, नदी के एक किनारे शंकर का मंदिर है और दूसरी ओर मस्जिद है। मस्जिद में अजान होती है और शंकर के मंदिर में घंटियां बजती हैं और पूजा होती है। पर आज तक उस मुस्लिम रियासत में हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुए। कैलाशनाथ काटजू ऐसे वातावरण में बड़े हुए और वहीं पे बार हाई स्कूल होता था, जो महात्मा गांधी हाई स्कूल, बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया, वहाँ पे आप पढ़ाई करते थे। बाद में इनके ननिहाल कैलाशनाथ काटजू का लाहौर होता था। लाहौर वॉज द सीट ऑफ एजुकेशन इन एशिया। आप लाहौर पढ़ने गए, जहाँ पे आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की और नंबर 1, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। उसके बाद कैलाशनाथ काटजू अलाहाबाद बीए करने आ गए और एक क्रिश्चियन स्कूल में, क्राइस्ट स्कूल के अंदर और कॉलेज में आपने बीए पास किया। और अलाहाबाद से ही आपने लॉ की डिग्री भी ली और उसके बाद डॉक्टरेट इन लॉ भी बने, जिसके बाद वो बन गए डॉक्टर काटजू। प्रैक्टिस चालू की और आपने चालू करा अपना काम सर तेज बहादुर सप्रू के अंडर। सर तेज बहादुर सप्रू, पंडित मोतीलाल नेहरू और कैलाशनाथ काटजू, ये तीन कश्मीरी पंडित उस जमाने के हिंदुस्तान के नामी वकील थे, जिन्होंने कानपुर में टिन के शेड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस चालू करी। उसके बाद वो शिफ्ट हो गए इलाहाबाद और धुआंधार प्रैक्टिस आपकी चली। तभी गांधी जी का आंदोलन हो गया चालू
आजादी की लड़ाई चालू हो गई और जन जन के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया कि हम अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। और उसी में कैलाशनाथ काटजू भी एक आजादी के सिपाही बन गए। 1937 में अंग्रेजों ने पहला इलेक्शन कराया यूपी के अंदर, जिसमें कांग्रेस बड़े बहुमत से जीती और उसके प्रधानमंत्री कहते थे उस जमाने में, वो बने गोविंद वल्लभ पंत। उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया। मंत्रिमंडल में सब तो आ गए, उनको एक लॉ मिनिस्टर की जरूरत थी। सबने कैलाशनाथ काटजू का नाम बताया, पर काटजू साहब तैयार नहीं हो रहे थे। कह रहे थे, नहीं भाई, मैं प्रैक्टिस करता हूं और आपका सहयोग करता रहूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह जिम्मा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको घंटों समझाया कि आप मंत्री बन जाइए, जिससे आप देश की सेवा कर सकेंगे। एक कंडीशन पे उन्होंने कहा, सबसे पहले मेरी बैंक की जो बुक है, पासबुक, वो आप ये देख लीजिए। राजेंद्र बाबू कहने लगे, क्यों? कहने लगे, सुनिए, इसमें जितना पैसा है, ये कल मेरे को ये कोई नहीं कहे कि मैं मंत्री बनने के बाद ये हुआ है। 1937 में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू की प्रैक्टिस 50,000 के आसपास थी महीने की, और उनके पासबुक में 20 या 25 लाख रुपए जमा थे। सोचिए, उसके बावजूद कैलाशनाथ काटजू मंत्री बने और देश की सेवा में जिंदगी भर अपनी सेवाएं देते रहे। आजादी के बाद आप वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर बने। वहां से उड़ीसा के पहले गवर्नर बने। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली बुला लिया जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई, और डॉक्टर काटजू को 2 वर्ष तक भारत के गृह मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, जो भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी मृत्यु के बाद आप 2 वर्षों तक भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। इसी बीच में देश में भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ राज्यों का, और हिंदी राज्यों को कुछ छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर मध्य भारत, महाकोशल, छत्तीसगढ़, विंध्य प्रदेश को मिलाकर मध्य प्रदेश बना, जिसके पहले मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। अनफॉर्चुनेटली पंडित रविशंकर शुक्ल सिर्फ 1.5 महीना ही मुख्यमंत्री रहे और उनको हार्ट अटैक हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काटजू साहब को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया, और आप 31 जनवरी 1957 से 1962 मार्च तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और पूरा 5 साल तक आपने वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से राज्य किया। काटजू साहब को जावरा, अपने नगर, अपने जन्मस्थली से बहुत प्यार था। हमेशा जावरा की बातें करते थे। उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1954 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यंग प्राइम मिनिस्टर थे और देश आजाद हुआ था और देश में घूम रहे थे, एक दिन काटजू साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू को जावरा ले आए, हमारे स्कूल में ले आए। बहुत बड़ा स्टेज बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हजारों लोगों की भीड़ में, कैलाश भाई कहते थे, मेरे जावड़ा चलो, मेरे जावड़ा चलो। मैं कहता था, ये जावड़ा क्या जगह है? बड़ा अजीब नाम है, पर ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, बड़ी अच्छी जगह है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। उन्होंने कैलाश भाई को कहा, पंडित नेहरू ने, आपको जहां जहां ले जाना है, जहां जहां दिखाना है जावरा, मुझे ले चलिए। काटजू साहब ने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के यंग प्राइम मिनिस्टर को, कहां ले गए?
कहने लगे मेरे मास्टर के घर चलो। उनके मास्टर थे भूरे खां मास्टर, जो करीब 100 वर्ष के आसपास के हो चुके थे। काटजू साहब अपने मास्टर भूरे खां कह ले गए और कहने लगे जवाहर ये मेरे मास्टर हैं। भूरे खां मास्टर साहब को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके यहाँ जवाहरलाल जी आ गए। जवाहरलाल जी ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, आपने कैलाश साहब को इतना अच्छा पढ़ाया है कि वह आज हिंदुस्तान के सितारे हैं। उसके बाद जवाहरलाल जी को आप पता है कहाँ ले गए? अपने एक बचपन के दोस्त के यहाँ, मोदी जी के यहाँ, गोवर्धन लाल मोदी, उनके यहाँ पे कोलू का बेल था। गांव के अंदर कोलू का बेल होता है जिसमें बैल को आंखों के ऊपर कपड़े लगा दिए जाते हैं और बैल चलता रहता है, उसमें तिल डाल दिए जाते हैं और तेल निकलता रहता है। जवाहरलाल अंग्रेज आदमी थे, जवाहरलाल जी को पता नहीं ये क्या है। जवाहरलाल जी ने कहा ये क्या है? कहने लगे कॉटेज इंडस्ट्री। बड़े खुश हुए, कहने लगे वाह भाई। उसके बाद आपने कहा कि भाई जवाहरलाल तुम बड़े डैम बनाना चाहते हो, भाखड़ा डैम बना रहे हो और बड़े बड़े इतने डैम बनाने का तुम्हारा प्लान है, तो हमारे जावरा के पास एक नदी है उसको भी देखो। उस नदी का नाम है मलेनी, जो आगे चलकर चंबल में मिल जाती है। लोगों ने कहा कैलाशनाथ जी सेठिया गए हैं, इस छोटी सी नदी के ऊपर कोई डैम बनता है? पंडित जी ने कहा चलिए। दिखाया उन्होंने, उन्होंने बताया कि आगे जाके ये चंबल में मिल जाती है। जवाहरलाल जी बड़े प्रैग्मेटिक थे और बड़े ही उनका विजन था। उन्होंने स्टडी टीम भेजी और अल्टीमेटली चंबल के ऊपर डैम बना और वो डैम ही आज राजस्थान और मध्य प्रदेश को बिजली और पानी दे रहा है और दुआ दे रहे हैं कैलाशनाथ काटजू को लोग कि उन्होंने उस जमाने में चंबल के ऊपर डैम बनवाया। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कहानी जारी रहेगी।